हाँ जी इस तरह का कोई बात बाहर आए चलिए हाँ एक ये कर लेंगे सब कर लेने दीजिए मैडम रुक जाइए सीखा मैडम मैडम नेशनल पल है आप वहाँ से लौट रही क्या कुछ कहना चाहेंगे पहला रिएक्शन ये बताइए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं वहाँ पे और बहुत ग्रैटिट्यूड है जिसके भी प्रेयर्स मेरी फैमिली ने मेरे फ्रेंड्स ने या फिर गवर्नमेंट ने जो भी हेल्प की बट स्टिल वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मीडिया पर्सन हैं आप फोर्स आउट करो हमारी गवर्नमेंट को ताकि सारे स्टूडेंट्स वहाँ से या जो भी लोग हैं वहाँ से निकल पाएँ थैंक यू सो मच अब मैं थोड़ा हमारा स्टार्ट जर्नी हुआ 25 को 3 बजे हम लोग निकले हैं विनिसिया से हम लोग निकले यूक्रेन बॉर्डर पर फर्स्ट टाइम क्रॉस करने के लिए तो वहाँ 25 को जब हम पहुँचे उसके बाद से एटलीस्ट हम लोग 11 बजे पहुँचे रात में ये रोमानिया का बॉर्डर था नहीं यूक्रेन बॉर्डर पहले हमें यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करना था उसके बाद फिर हमें रोमानिया बॉर्डर इन करना था वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी मतलब एटलीस्ट 500,000 बच्चे थे फिर हमें पता चला कि अभी ये एंट्री नहीं दे रहे आपको अगर खुद से आप एंट्री ले सकते हो तो लो एंट्री नहीं दे रहे फिर हमने रात भर पूरे स्टैंड बाई किए खड़े रहे लेकिन कोई एंट्री नहीं मिला फिर नेक्स्ट डे थोड़ा स्टार्टिंग एंट्री हुआ कुछ 10-15 बंदे एंट्री हो रहे थे फिर कुछ उस दिन रात को फिर हमारे वो मॉर्निंग में 5 बजे कुछ बच्चों ने वो गेट को थोड़ा धक्का दे दिया तो फिर वो झगड़ा कुछ बच्चों को पीटा उन्होंने और फिर फायरिंग भी किया 2-4 राउंड उन्हें एयर फायर किया नहीं यूक्रेनियन बॉर्डर वाले ने ठीक है फिर रात को फिर जब 11-12 बज गया उस दिन भी एंट्री हमें नहीं मिली पूरे रात फिर वो वहाँ रहने की कुछ भी नहीं थी वो ठंड वहाँ -2-3 थी फिर उस दिन रात को हमें कुछ नहीं हुआ फिर हम रात भर खड़े रहे लाइन में उन्होंने बोला एंट्री कराएंगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी थोड़ा बहुत होता था तो 2-4 बंदे को एंट्री कराते थे फिर छोड़ देते थे फिर लास्ट में फिर थर्ड डे हम लोग एटलीस्ट हमारे यूनिवर्सिटी से कोई नहीं था तो हमें एंट्री नहीं और वहाँ पे एम्बेसी वाले हमें कोई नहीं मिला अपने इंडियन एम्बेसी कोई नहीं था यूक्रेनियन बॉर्डर पे फिर एटलीस्ट लास्ट में हम लोग रात को 12 बजे तीसरे दिन हम लोग एंट्री किए वहाँ से मतलब 29 हो गया नहीं 27 27 ये बताइए तुमने वापस लौटने के लिए किससे संपर्क किया एम्बेसी से बात हुई थी स्टार्टिंग में एम्बेसी हमारी सारी कॉल्स का रिस्पॉन्स दे रही थी फिर चल भाई मुक्को आइए आपका बाइक ले लीजिए ना झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़